सेम में भी और वाइट बैंक जल ये तो हम पहली बार देख रहे हैं व्हाट इज दिस ये भी सेम ही है सब तरह से सब्जी बनती है मैडम और ये जो है प्रोटीन रिच है और इसकी लीफ खाते हैं और इसकी रूट को वगैरह फिर बैंगन इधर आ गया जी जी ये कानपुर वनपुर साइड मिलता था लेकिन ये हमारे स्टॉक की वैरायटी है मैडम ये कानपुर लखनऊ की तरफ दिल्ली में भी नहीं मिलता ये सफेद बैंगन मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में हम लोगों को और उस अथॉरिटी को सरकार ने जनवरी 2020 में कहा कि आप इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां सक्रिय रूप से करें मिर्जापुर में भी आए हुए हैं और उद्योग को कुछ लेकर के क्या पूरा आपका मकसद है कैसे इसको विकसित करें आज एक्चुअली अपेडा का फर्स्ट प्रोग्राम मिर्जापुर से आई एम रियली हैप्पी फर्स्ट टाइम यू नो लाइक मिर्जापुर का जो एक्चुअल पोटेंशियल है ये पोटेंशियल यू नो मैं आज विजुलाइज किया जो किसान का जो FPOs का प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट देखे ना मुझे बहुत खुशी हो रहा है And APEDA basically, you know, like as an international pan-India export organization, Mirzapur ka jo achha product hai, hum convergence karke, sourcing karke, hum bahar bhejne ke liye hum koshish karenge. Okay, so aap log ka jo product hai, mujhe dekhne ke liye bahut achha lag raha hai, iska thoda testing karna padega, iska thoda, you know, farmers ka capacity building, training wagera karke, achha maal, you know, idhar se produce karke, hum bhejne ke liye hum koshish karenge. And आप लोग का माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इतना इधर FPOs है ये FPOs के लिए इन लोग हम स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाएंगे ये इन लोग का ना बार एक्सपोजर विजिट और यू नो इन लोग का कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग के लिए भी हम APEDA की तरफ से सपोर्ट करेंगे मैम किसानों को एक मंच देने की यहाँ से कोशिश हो रही है अपने उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने के लिए क्या मैम आपने ये किया हुआ आज जो ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत हमारा ऑर्गेनाइजेशन APEDA इस पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में कृषि उत्पादों के ताज़े फल सब्जी अनाज इन सब को निर्यात की दृष्टि से बढ़ावा देने में निरंतर प्रयासरत है और इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे कृषि निर्यात और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया है जिसमें हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर एसोसिएशंस हैं जो अनाज और ताज़े फल और सब्जियां खरीदते हैं किसानों से और FPO से वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना पंजाब दिल्ली कई राज्यों से यहां पर आए हैं और जो हमारे किसान बंधु हैं उनके साथ उनका अग्रीमेंट भी हुआ है तो हमारी कोशिश है हम आज किसानों का प्रशिक्षण भी कर रहे हैं उनका क्षमता निर्माण भी कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे रीजन में इस पूरे क्षेत्र में चावल है या ताज़े फल सब्जियां बड़े पैमाने पर उसका पैदावार होती है तो कैसे हम उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट उपलब्ध करा सकें और किसानों को समझ में आए कि एक्सपोर्ट कैसे करना है क्या क्वालिटी रखनी है एक्सपोर्ट की दृष्टि से हम तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर विकसित करेंगे और हमारे मिर्ज़ापुर से लेकर वाराणसी चंदौली गाज़ीपुर आसपास के पूरे क्षेत्र का जो कृषि उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुँचे कृषि निर्यात में संवर्धन मैम कृषि उत्पादन तो हो जाता है लेकिन उसको पैकेजिंग उसका एक्सपोर्ट करना इसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है तो इसको लेकर आपने मंच से कुछ बताया अभी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर ये एक तो मैं आपको बताऊँ कि APEDA विशेष तौर से इस पूर्वांचल क्षेत्र में निरंतर किसानों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के जो कार्यशाला है उसका आयोजन कर रहा है वैसी ही एक कार्यशाला आज यहाँ आयोजित की गई है
इसमें किसानों को बताया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस देश में किस कृषि उत्पाद की मांग है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, इसके अलावा कैसे भारत की सरकार और हमारा मंत्रालय क्या क्या सुविधाएं देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस हम देते हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जैसे पैक हाउस की आवश्यकता है या कोल्ड रूम की आवश्यकता है या इनलैंड कंटेनर डिपो की आवश्यकता है या किसी NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करने के लिए आवश्यकता है, वो सारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा हम यहाँ पर उपलब्ध कराने जा रहे हैं ताकि किसानों को हम सीधे से प्रोत्साहित कर सकें कृषि निर्यात। थैंक यू।